समाज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अक्सर कोई ना कोई खबर आए दिन सामने आ ही जाती है। पहले उमेश पाल की हत्या में शामिल अतीक के बेटे असद और शूटर्स का एनकाउंटर, फिर माफिया टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस अभिरक्षा में हत्या, और अब अतीक के करीबी मोहम्मद सऊद की गिरफ्तारी। दरअसल पुलिस अतीक के पूरे गैंग का खात्मा करने के मिशन में जुटी हुई है। उसके हर एक गुर्गे पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है, चाहे गिरफ्तारी हो या फिर बुलडोजर की कार्रवाई। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। करोड़ों के लेन देन की बात भी सामने आई है। इसी कड़ी में 5 जून को प्रयागराज से अतीक के करीबी मोहम्मद सऊद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सऊद पर रंगदारी मांगने का आरोप है। वो हिस्ट्री शीटर है और कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। सऊद के कई साथी फिलहाल फरार हैं, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि अतीक का ये करीबी गुर्गा समाजवादी पार्टी का नेता भी है। गिरफ्तारी पर कौशाम्बी के एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये अब्दुल सऊद ये मूरतगंज का पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। इसके खिलाफ एक अभियुक्त थाना संदीपन घाट पर रंगदारी वसूलने का दर्ज हुआ था, उसी में इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये पुराना शातिर अपराधी है और मृतक अपराधी अतीक अहमद का भी काफ़ी करीबी और सहयोगी रह चुका है। इसमें एक अभियुक्त अभी फरार है, उसकी भी बहुत शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। इसकी एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें हत्या और रंगदारी वसूलने के पूर्व में भी अभियुक्त पंजीकृत रहे हैं। इसमें हम बहुत शीघ्र गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे और अन्य कड़ी विधिक कार्रवाई भी करेंगे। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुड्डू बमबाज अभी भी फरार है। वही अतीक की बीवी शाइस्ता भी पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से दूर है, जिन पर इनाम घोषित किया जा चुका है। पुलिस की कई टीमें गुड्डू और शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन दोनों इतने शातिर हैं कि पुलिस की पकड़ में अभी तक नहीं आए हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि अतीक की बची प्रॉपर्टी को लेकर अब कई गैंग आमने सामने आ रहे हैं, जो कभी अतीक के करीबी हुआ करते थे। अतीक की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं पुलिस की निगाह उन सब पर है जो इस काले साम्राज्य में कहीं से भी हिस्सेदार हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि गुड्डू शाइस्ता साथ हो सकते हैं या फिर संपर्क में है। बहरहाल आने वाले दिनों में इस मामले में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक न जाएं।